हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैक शिवाय। आज की इस वीडियो में हम हैक द बॉक्स की स्टार्टिंग पॉइंट में जो टायर वन की मशीन है क्रोकोडाइल, इसको सोल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो मशीन को सोल्व करने से पहले हम अपने टैक्स को पढ़ते हैं, जिसमें कि FTP है, क्लियर टेक्स्ट क्रीडेंशियल्स है, एनोनीमस गेस्ट एक्सेस है, वेबसाइट स्ट्रक्चर डिस्कवरी है। तो हो सकता है इसमें हमें FTP का एक्सेस लेना हो या कुछ ऐसे क्लियर टेक्स्ट क्रीडेंशियल्स हों जिनकी हेल्प से हम मशीन को एक्सेस कर पाएँ। तो चलते हैं अपनी मशीन की तरफ। तो इस मशीन को मैंने स्टार्ट कर दिया है एंड टर्मिनल में ओपन VPN की हेल्प से कनेक्ट कर लिया है। तो हमारा जो इसमें फर्स्ट टास्क है वो है वोट NMAP स्कैनिंग स्विच एम्प्लॉयज द यूज़ ऑफ डिफॉल्ट स्क्रिप्ट ड्यूरिंग ए स्कैन। यानी कि NMAP का ऐसा कौन सा स्विच है जिसकी हेल्प से हम NMAP की जो डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट होती है उसको रन कर सकते हैं। तो NMAP का जो ऐसा स्विच है वो है -SC। अब इस स्विच की हेल्प से जो NMAP की डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टास्क है पोर्ट सर्विस वर्जन इज़ फाउंड टू बी रनिंग ऑन पोर्ट 21। यानी कि पोर्ट नंबर 21 पर सर्विस का जो वर्जन है वो कौन सा है। तो इसके लिए सिंपली आपको NMAP का जो स्कैन है वो रन करना होगा। तो आपको सिंपली कमांड टाइप करनी है NMAP -SC -SV एंड मशीन की IP एड्रेस 10.129.157.227। ये जो -SC स्विच है इसकी हेल्प से आप जो NMAP की डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट है वो रन करा सकते हैं, एंड जो -SV है इसकी हेल्प से जो सर्विसेज रन हो रही है हमारे पोर्ट पर उनका वर्जन हमें पता लग जाएगा। तो इस स्कैन को कंप्लीट होने में 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है। तो जब तक स्कैन कंप्लीट नहीं हो जाता आपको वेट करना है। तो गाइस, हमारे यहाँ पर NMAP का जो स्कैन है वो कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं इसमें हमारी पोर्ट नंबर 21 एंड पोर्ट नंबर 80 जो है वो ओपन है। एंड आप एक चीज़ और देख सकते हैं, जो हमारा पोर्ट नंबर 21 है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा FTP एनोनीमस है वो लॉगिन अलाउ कर रहा है। यानी कि आप इस मशीन में FTP का जो एक यूज़र होता है एनोनीमस, आप उसकी हेल्प से इस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं अपने टास्क की तरफ। तो हमारा जो इसमें टास्क 2 है वो है वोट सर्विस वर्जन इज़ फाउंड टू बी रनिंग ऑन पोर्ट 21। यानी कि पोर्ट 21 पर सर्विस जो हमारी रन हो रही है FTP उसका कौन सा वर्जन है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा VS FTPD 3.0.3। सिंपली आपको यहाँ लिखना है VS FTPD 3.0.3, सबमिट। देन हमारा नेक्स्ट टास्क है वोट FTP कोड इज़ रिटर्न टू अस फॉर द एनोनिमस FTP लॉगिन अलाउड मैसेज। यानी कि जब भी हम मशीन में FTP के थ्रू एक्सेस करते हैं यानी FTP का एक्सेस लेते हैं तो हमें जो रिटर्न में कोड मिलता है वो क्या मिलता है। तो सिंपली आपको इसमें इस मशीन में FTP के थ्रू एक्सेस लेना है तो FTP एंड उसके बाद एनोनीमस, यानी कि हमारा यूज़र नेम जो कि इसमें दिया भी हुआ है कि हम एनोनीमस की हेल्प से इसमें FTP लॉगिन कर सकते हैं, एंड उसके बाद मशीन की IP एड्रेस 10.129.157.227 एंड एंटर कनेक्टेड टू। एंड आप देख सकते हैं हमारा जो FTP का एक्सेस है वो हमें मिल चुका है एंड 230 लॉगिन सक्सेसफुल। यानी कि जो हमारा कोड है वो हमें मिला है 230। यानी कि आप जब भी FTP के थ्रू एक्सेस लेंगे तो आपको जो रिटर्न में कोड मिलेगा वो मिलेगा 230। देन हमारा टास्क 4 है आफ्टर कनेक्टिंग टू द FTP सर्वर यूजिंग द FTP क्लाइंट व्हाट यूजर नेम डू वी प्रोवाइड व्हेन प्रॉम्प्टेड टू लॉग इन एनोनीमसली। यानी कि सिंपली हमने किस यूज़र नेम के थ्रू FTP में एंटर किया, यानी FTP का एक्सेस लिया है। तो हमारा यूज़र नेम है जिसके थ्रू हमने एक्सेस लिया है एनोनीमस। देन हमारा टास्क 5 है आफ्टर कनेक्टिंग टू द FTP सर्वर एनोनीमसली व्हाट कमांड कैन वी यूज टू डाउनलोड द फाइल्स वी फाउंड ऑन द FTP सर्वर। यानी कि हमने अभी FTP का सर्वर ले लिया है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी इसमें कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पर ls करेंगे एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 2 फाइल हैं allowed.userlist एंड allowed.userlist.password। तो इसमें ये पूछा है कि इन फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करेंगे। तो सिंपली हम जो कमांड टाइप करते हैं वो करते हैं get। आप get की हेल्प से FTP से किसी भी फाइल को अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं get allowed.userlist। तो आप देख सकते हैं हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। एंड देन हमारी जो नेक्स्ट फाइल है वो है get
अलाउड डॉट यूज़र लिस्ट डॉट पास डब्ल्यू डी एंड एंटर। तो गाइस हमारी ये फाइल भी सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। तो हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है वॉट इज़ वन ऑफ द हायर प्रिविलेज साउंडिंग यूज़र नेम्स इन अलाउड डॉट यूज़र लिस्ट दैट वी डाउनलोड फ्रॉम द एफ टी पी सर्वर। यानी कि जो भी हमने एफ टी पी सर्वर से हमारी जो हमने जो फाइल डाउनलोड की है अलाउड डॉट यूज़र लिस्ट, इस लिस्ट में ऐसा कौन सा यूज़र है जो कि देखने से ऐसा लगता है कि इसके पास सबसे ज़्यादा हायर प्रिविलेज होंगी। तो सिंपली अभी इस फाइल को जो हमने डाउनलोड की है उसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक न्यू टैब ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर रूट परमिशन दे दी हैं। एंड सबसे पहले हम कैट करेंगे अलाउड डॉट यूज़र लिस्ट एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारे इस लिस्ट में चार यूज़र हैं एंड इन चार यूज़र में जो सबसे ज़्यादा हायर प्रिविलेज यूज़र है वो एडमिन है। तो सिंपली आपको यहाँ पर टाइप करना है एडमिन एंड सबमिट। देन हमारा नेक्स्ट टास्क है वोट वर्जन ऑफ अपाचे एस टी टी पी सर्वर इज़ रनिंग ऑन द टारगेट होस्ट। यानी कि जो हमारा एस टी टी पी का जो सर्वर रन हो रहा है मशीन पर उसका क्या वर्ज़न है। तो सिंपली आपको अपने एनमैप स्कैन में जाना है एंड आप देख सकते हैं जो हमारा अपाचे एस टी टी पी का है एस टी टी पी डी है जो उसका वर्जन है 2.4.41। तो सिंपली आपको यहाँ पर टाइप करना है अपाचे एस टी टी पी डी 2.4.41 एंड सबमिट। हमारा ये भी सही हुआ। देन हमारा नेक्स्ट टास्क है पोर्ट स्विच कैन वी यूज विद गोबस्टर टू स्पेसिफाई वी आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक फाइल टाइप्स। तो गाइज आपको पता होगा जो हमारा गोबस्टर टूल है उसकी हेल्प से हम वेबसाइट पर यानी मशीन पर जितनी भी हमारी हिडन डायरेक्टरीज होते हैं उनको ब्रूट फोर्स करते हैं। तो उस गोबस्टर में हम किस स्विच का यूज़ करते हैं ताकि हम एक स्पेसिफिक फाइल नेम को स्पेसिफाई कर सकें, यानी कि वहाँ पर उसको बता सके कि हम इस फाइल से यानी PHP हुई या HTML हुई या CSS हुई कि हम इस फाइल से रिलेटेड हिडन डायरेक्टरीज को ब्रूट फोर्स करना चाहते हैं। तो जिसका आंसर है वो है -x। आप -x स्विच की हेल्प से गोबस्टर में ये बता सकते हैं कि हम इस फाइल को स्पेसिफाई करके इस फाइल को ब्रूट फोर्स करना चाहते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टास्क है विच PHP फाइल कैन वी आइडेंटिफाई विद डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स दैट विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू ऑथेंटिकेट टू द वेब सर्विस। यानी कि जब हम गोबस्टर से हिडन डायरेक्टरीज को ब्रूट फोर्स करेंगे तो ऐसी PHP एक्सटेंशन की कौन सी फाइल है जिससे हम वेब सर्वर पर ऑथेंटिकेट हो सकते हैं, उस वेब सर्विस पर ऑथेंटिकेट हो सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए आपको सबसे पहले अपना गोबस्टर स्टार्ट करना पड़ेगा। गोबस्टर डायरेक्टरीज के लिए dir-u http एंड मशीन की IP 10.129.129.157.223। देन उसके बाद -w वर्ड लिस्ट के लिए यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट common.txt एंड -x php के लिए, क्योंकि हमें php की फाइल को ब्रूट फोर्स करना है तो सिंपली आपको -x स्विच देना है एंड देन उसके बाद php का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमें एरर मिला है गाइस, यहाँ पर हमारी IP जो है वो गलत हो गई। तो दोबारा करते हैं गोबस्टर एंड 223 नहीं 227 एंड एंटर। तो अभी हमारा यहाँ पर जो है वो हिडन डायरेक्टरीज ब्रूट फोर्स होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती आपको वेट करना है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो गाइस हमारा यहाँ पर जो है ब्रूट फोर्स कंप्लीट हो चुका है एंड इसको 5 से 10 मिनट का टाइम लग सकता है कंप्लीट होने में। तो आपको जो है बीच में प्रोसेस को कैंसिल नहीं करना है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता आपको ब्रूट फोर्स ऑन रखना है। तो अब चलते हैं अपने टास्क की तरफ। तो हमारा जो टास्क था वो है विच PHP फाइल कैन बी आइडेंटिफाई विद डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स दैट विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू ऑथेंटिकेट टू द वेब सर्विस। यानी कि ऐसी कौन सी PHP की डायरेक्टरी है जिससे हम वेब सर्वर पर ऑथेंटिकेट हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जिनका स्टेटस कोड 403 है उनको तो हम एक्सेस नहीं कर सकते एंड जो हमारा स्टेटस कोड है 200 या 301302 तो उसमें आप देख सकते हैं जो हमारी डायरेक्टरी है login.php इसकी हेल्प से हम शायद वेब सर्वर पर लॉगिन कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट हो सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है login.php। तो
गाइस हमारा लास्ट टास्क है सबमिट रूट फ्लैग। तो सिंपली आपको रूट फ्लैग सबमिट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं 10.129.157.227 एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने जो इस मशीन की वेबसाइट है वो ओपन हो गई। तो सिंपली अभी आपको करना क्या है, login.php आपको इस डायरेक्टरी पर विजिट करना है। एंड जैसे ही आप इस डायरेक्टरी पर विजिट करेंगे तो आपके सामने जो है साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिल करना है। तो हमें यूज़र नेम तो ऑलरेडी पता है, जो हमने अलाउ डॉट यूज़र लिस्ट में देखा था एडमिन, जिसके पास हायर प्रिविलेज थी, तो हमारा यूज़र नेम हुआ एडमिन। एंड पासवर्ड के लिए सिंपली आपको करना क्या है, हमने जो FTP सर्वर से जो दो फाइल डाउनलोड्स की थी, एक तो थी उसमें अलाउ डॉट यूज़र लिस्ट जिसमें हमारे यूज़र नेम थे, एंड एक उसके अलावा जो दूसरी फाइल थी जिसमें जो पासवर्ड वाली फाइल थी, तो हमें उसमें से पासवर्ड मिलेगा। तो सिंपली हम एक न्यू टैब में इस फाइल को कैट कर लेते हैं, allow.userlist.passwd। तो इसमें हमारे जो है अभी चार पासवर्ड दिए हुए हैं एडमिन यूज़र के। तो आपको वन बाय वन ट्राई करना है कि हमारा जो एडमिन यूज़र है उसका क्या पासवर्ड हो सकता है। तो हम सबसे नीचे से शुरू करते हैं, कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट, एंड यूज़र नेम हमारा एडमिन एंड साइन इन। तो गाइज आप देख सकते हैं हमें जो है एक्सेस मिल चुका है, यानी जो हमारा यूज़र है एडमिन, जो उसका हमारा लास्ट पासवर्ड है ये वाला RKXM59, हमारा ये पासवर्ड ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे सामने रूट फ्लैग है वो हमें मिल चुका है। सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करना है एंड यहाँ पर पेस्ट एंड सबमिट। तो गाइज इस तरह से आप इस मशीन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मशीन के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।